लेकिन जब ये सजती संवरती है ना तो यंग लोगों को भी मात दे देती है। देख लीजिए आप खुद बताइएगा। तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है तो इतना बड़ा मम्मी जी दीदी बहुत सुंदर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इस वीडियो में हम जानेंगे, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं तुलसी माता के पूजा विधि को लेकर। तो किसके द्वारा जानेंगे? मम्मी के द्वारा जानेंगे। ये अपने जमाने के नियम विधि बताएंगी, ऐसे तो मुझे बताई है तो मैं बताते रहती हूँ, फिर भी थोड़ा मम्मी के द्वारा सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? रविवार मंगलवार को पूजा कैसे करें और तुलसी माता को सिंदूर कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, तुलसी माता की पूजा कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे नियम विधि मम्मी, प्रतिदिन के भी नियम विधि मम्मी बताएगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पहली बार आए हैं तो पक्का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि मम्मी को बड़ा मेहनत से ले आना पड़ता है, रेडी करना पड़ता है, बताइए इतनी उम्र में, और फिर भी ये हमारे लिए रेडी हो जाती है मम्मी खुशी खुशी। तो इसलिए मम्मी के वीडियो को पक्का लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और तुलसी माता के पूजा के नियम विधि जान लेते हैं। तो मम्मी सबसे पहले मेरी बहनों का सवाल है कि दीदी रविवार और मंगलवार को तुलसी जी को जल दें कि ना दें, तो बता दीजिए कि किसको देना है और किसको नहीं देना है। मंगलवार को जल दे सकते हैं, तुलसी पत्ता नहीं तोड़ सकते, ठीक है, तुलसी गाछ में हाथ नहीं दे सकते, दूर से दे सकते हैं। हाँ, दूर से जल दे सकते हैं, उनके जड़ में विष्णु जी को जल दे सकते हैं, लेकिन पत्ता नहीं तोड़ सकते, पत्ता नहीं तोड़नी है मंगलवार। ऐसे तो सभी को ये सब मालूम है। और रविवार आ गया तो रविवार को जो रविवार व्रत करता है उपवास रखता है वो जल नहीं दे सकता, तुलसी पूजा नहीं कर सकता, कोई पूजा नहीं करेगा, जल देगा या पूजा करेगा कुछ नहीं करेगा तुलसी जी। जो रविवार व्रत करता है उस दिन विष्णु जी को जल नहीं देता तुलसी जी को, क्योंकि सप्ताह में एक दिन विष्णु जी आते हैं तुलसी से मिलने, और उनको कोई डिस्टर्ब करे तो श्राप देते हैं, इसलिए उनको छूना भी नहीं है रविवार के दिन। आज जो रविवार व्रत नहीं करते हैं वो जल देंगे, वो जल दे दे, समझ लीजिएगा अच्छे से बातों को, हिलाएंगे नहीं तुलसी जी को, पत्ता नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उनको पूजा अर्पण कर देंगे, जो धूप काठी दिखा देते हैं दूर से दिखा देना, दिया बत्ती चढ़ा देते हैं, उनको प्रणाम कर लेते हैं, जल भी दे सकते हैं, ये सब कर देना है, लेकिन जो व्रत करते हैं वो मत करेंगे, वो जल नहीं करेंगे तुलसी का, दूर से दिया भी नहीं दिखाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, रविवार को जो व्रत रविवार का व्रत करते हैं हाँ। रविवार को व्रत करते हैं वो नारायण का पूजा उस दिन तुलसी का पूजा नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि तुलसी जी को मम्मी प्रतिदिन सिंदूर नहीं लगाते हैं ना, एक पत्ता में सिंदूर नहीं लगाना है, प्रति जड़ में चंदन लगाओ, जड़ में चंदन लगा सकते हैं, हाँ, पत्ते में नहीं लगता है चंदन, पत्ती में नहीं लगता, पत्ते में कभी चंदन मत लगाएगा, शादी के दिन ही लगता है सिंदूर, लगता है ऐसे नहीं लगता है सिंदूर, लगता है रोड़ी रोड़ी रोली या सिंदूर, विष्णु जी को रोड़ी या चंदन जड़ में लगाते हैं, धूप काठी दिखाते हैं, जो पंडित लोग आज बोलते हैं कि धूप काठी दिखाना मना है क्योंकि बांस से बनता है, बांस वंश है तो वंश को जीते हुए जलाते हुए कोई मांस चाहेगी ना, इसीलिए धूप काठी धूपबत्ती धूपबत्ती आजकल लोग धूपबत्ती जलाना मना है, तो धूप धूना जो होता है जलाना वही जलाइए, लेकिन जड़ में चंदन और सिंदूर लगा सकते हैं प्रतिदिन, रोड़ी जिसको बोलते प्रतिदिन, और पत्ते में नहीं लगाना है ना। कि देखिए आप लोग प्रतिदिन चंदन भी तुलसी जी को कभी लगाना पड़ जाए तो पत्ते पर नहीं लगानी है, जड़ में विष्णु भगवान होते हैं बस उनके जड़ में लगानी, तो आप सिंदूर चंदन रोली सब कुछ तुलसी जी के जड़ में लगा सकती हैं, और शादी के दिन सिंदूर पत्ते पे लगाना है प्रतिदिन। मैं भी पत्ते पे ही लगाती थी, लेकिन मम्मी इस बार बताइए कि नहीं, शादी के जड़ में भी टीको, विष्णु को भी टीका कर सकती हो, लेकिन पत्ता पत्ता टीकना है, पत्ते पर टिकना है, ये भी क्लियर हो गया। दूसरा भी नियम, तीसरा क्वेश्चन मम्मी मेरी बहनों ने पूछा है कि तुलसी पत्ता दीदी स्नान करके तोड़नी चाहिए या स्नान से पहले तोड़नी चाहिए? नहीं, स्नान के पहले नहीं, हाँ स्नान करके ही तुलसी को छूना है, ठीक है, हाँ क्लियर। बिना स्नान के तुलसी नहीं तोड़ते। अब फूल मम्मी कभी अशुद्ध नहीं होती, एक दिन तोड़ के इतना रख लो
तो एक हफ्ता तक तुलसी शुद्ध रहती है ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए। तुलसी या बेलपत्ता कभी अशुद्ध नहीं होता है। फूल मम्मी बासी शरीर से तोड़ सकते हैं ना फूल? हाँ, बास फूल बासी कपड़े तोड़ सकते। समझ में आ गया। लेकिन तुलसी पत्र या बेल पत्र स्नान करके बेल पत्र तोड़ सकते हैं बासी कपड़ा। बेल पत्र भी तोड़ सकते हैं, तुलसी पत्र केवल नहीं तोड़ते। तुलसी पत्ता नहीं तोड़ते, ठीक है। ये भी आप लोग क्वेश्चन किए थे, कई ऐसी मेरी बहने नाम लिखी नहीं हूँ लेकिन पूछी थी तो मैं लिख के रखी हूँ। और अगला आप लोग का सवाल है, बहुत सारी मेरी बहने जानना चाहिए दीदी शमी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। घर में गमले में लगाए हैं तो शमी जी की पूजा कैसे करना? दिशा में लगाना शुभ होता है। सुन लीजिए मम्मी, आज बता दीजिए, बता दीजिए मम्मी शमी पेड़ के बारे में, वृक्ष के बारे में। ये उत्तर और पूरब के कोण का जो कोण होता है वो को निशान कोण कहते हैं। ईशान, ईशान, निशान कोण, वो भगवान का कोण है, देवता लोग उसी कोण में रहते हैं इसीलिए निशान कोण कहते हैं। आज जो पश्चिम का उत्तर का कोण होता है वो भंडार कोण हम लोग के भाषा में कहते हैं, लेकिन उस कोण में धन का कोण है, वो कोण में धन होता है, एक कोण में भगवान रहते हैं। एक अग्नि कोण होता है जिसमें एक जो होता है इधर पूरब के और दक्षिण के कोण में ये अग्नि कोण है, ठीक है समझ गए। और पश्चिम के और दक्षिण के कोण है मृत्यु कोण है। इस कोण पर कोई शुभ काम नहीं होती। घर हम लोग का मकान जब बनता है तो लाइटिंग इसी कोना में बनता है, टॉयलेट वगैरह। और रसोई घर एक कोना में दक्षिण और पूरब के कोना में बनता है। कौनो दुनिया में आप नजर घुमा कर देख लीजिए, समझ लीजिए। और आप शमी पेड़ मम्मी तक कहाँ? तो शमी गाछ आपके घर में माटी नहीं है नहीं तो गमला में लगा दीजिए। आ हो सके तो सबसे पहले निशान कोट पर लगा दीजिए, अगर जगह है आपके घर में निशान कोट के तरफ। निशान कोट पे अगर पूरा पश्चिम पड़े दरवाजा है तो निशान कोट के तरफ लगा दीजिए, और पूरा पड़े दरवाजा है तो धन के कोट जो है भंडार कोट इस कोण पर लगा दीजिए। यही दो कोण पर शमी गाछ लगती है, समझ गए। और पूजा विधि मम्मी पीपल वृक्ष की जैसा पूजा? अगर आपके पास पीपल गाछ दूर है नहीं है तो कोई बात नहीं है, शमी गाछ पीपल का ही पेड़ है, ठीक है। इसी पेड़ पर विष्णु जी रहते हैं, शनि देव रहते हैं, तो शनि देव को जल देना है तो शनिवार के दिन उनको सुबह में शमी गाछ का जल दे दो, तो काठी दिखा दो उनको, रात को ज्योति जला दो। ज्योति जलाना मतलब दिया बांट दो, दिया जला सकते हैं, तिल डाल सकते हैं ना जल में? हाँ, जो गुड़ तिल जो विष्णु जी को पीपल के पेड़ में जो देती हो ठीक वही चीज हमने वही चीज शमी गाछ में दे करके जल दो, समझ में। और मम्मी की बात है शमी के पेड़ में जैसे हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं ना, मैं पूजा करके दिखा। शनि मंदिर तुम्हारे पास से दूर है, शनि पूजा करने नहीं जा सकती, शमी गाछ तक पांच गो बतासा चढ़ा करके और धूप काठी दिखा करके और वहीं पर भोग लगा दो, उनको दिया बार दो, पूजा कर दो, आकर के वो प्रसाद अपने घर के लोगों को बाहर बुला करके, अच्छे अकेले हो उसको खा जाओ। एक बोतल पहले से पानी रखो वहां पर, वहीं पर हाथ मुंह धो लो, घर में लेकर नहीं आते। और तब ना झूठे मुंह घर में मत ढुकना, और तब घर में ढुकना तुमको शनि पूजा करने का फल वही मिल जाएगा, ठीक है। शमी वृक्ष की पूजा कर लेंगे तो शनि देव बेटे के ऊपर के ऊपर अगर कोई संकट है शनि देव का तो कटित हो जाएगा, कटित हो जाएगा, समझ में आ गया। तो देखिए तुलसी माता के वीडियो में मैं शमी जी के वृक्ष की पूजा विधि भी मम्मी बता दी कि किसी प्रकार का ग्रह है शनि ग्रह से लेकर सरसाती शनि की दया बहुत सारे लोगों पे होता है। तो मैं भी गुरुदेव से पूछी थी तो वो यही बताए उनको, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग घर में शमी पेड़ लगा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पीपल वृक्ष नहीं है तो। शमी गाछ इतना जल्दी सबके हाथ से नहीं लगती है, सूख जाता है, जाए फिर लगाना, हाथ मत मारना। और तुलसी भी मम्मी तुलसी का पेड़ अगर सूख जाता है तो लगा सकते हैं ना दोबारा तिबारा? सूख जाएगा तो लगा सकते हैं, कई ऐसी मेरी बहन नहीं लगाएगा तो पूजा कैसे, पूजा कैसे करें? उसको जो सूख गया है उठा के पानी में डाल दो, नया लगा सकते, नया लगा। हाँ मम्मी को आप लोग कहती हैं बहुत, इतना सारा कमेंट्स आया, मैं बता दे रही हूँ कि आपकी सासू माँ बहुत सुंदर है दीदी, बहुत क्यूट है और बहुत ब्यूटीफुल है। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मम्मी को सुनाती हूँ, मम्मी आपको तो सोच लीजिए कि इस उम्र में इतनी क्यूट है तो यंग होगी तो कैसी होंगी,
तो इसके लिए मम्मी थैंक यू बोल दीजिए लोगों को। मेरी मम्मी का बाल देख लीजिए आप लोग, थोड़ा इतना बाल सामने कर देती है, क्या करे मम्मी बताइए। इस जमाने में किसी का ऐसा बाल है? हम लोग का भी होता है तो कटवा लेते हैं, जैसी कर देती है। शादी के समय था भी मेरा ऐसा बाल, इतना तो नहीं था, नहीं चाहती मेरा बाल कटवा। लेकिन देखिए मम्मी का बाल देखिए, इस उम्र में लोग पूछता है दीदी क्या लगाती है, तो मैं वीडियो डाल चुकी हूँ मम्मी के बाल के घर, बाल कटवा के फेंक दी, बाल बहुत लंबा था हमारा, इनसे संभलाता नहीं इस उम्र में, फिर धोना उसको बनाना बहुत, जिस चीज शैम्पू करती है ना गला, लेकिन जब ये सजती संवरती है ना तो यंग लोगों को भी मात दे देती है, देख लीजिए आप खुद बताइएगा। तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है तो इतना मम्मी जी दीदी बहुत सुंदर है, आपकी सासू माँ बहुत सुंदर है, तो सभी को दिल से धन्यवाद मेरी सासू माँ के लिए, इतने अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट्स, तुम लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, इतनी छोटी छोटी बहने हैं मम्मी, इतना आशीर्वाद मुझे देती है ना कि मैं कैसे आपको बताऊं, और आपके बारे में भी तो इतना लिखे हैं लोग कि पूछिए मत, सभी को दिल से बेटियां जहाँ भी रहो खुश रहो, ठीक है सारी बातें क्लियर हो गई, मम्मी का आशीर्वाद भी मिल गया। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि तुलसी पूजा से संबंधित सभी प्रकार के आप लोग के अंदर जो डाउट थे, संदेह थे, सभी क्लियर हो गए। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए, और वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।